हेलो फ्रेंड्स, मेरा अपना मेरा मेरे चैनल से अपन पाकिस्तान में आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे डायरिया पे। इसके सिम्टम्स हैं पतले पानी की तरह मोशन आना, म्यूकोसलूदा मोशन, मोशन में ब्लड आना और पेट में दर्द, तशनजी दर्द जैसे बहुत ज़्यादा मरोड़ वाला दर्द होता है, बुखार, भूख की कमी, वोमिटिंग और वजन का गिरना। वज़न कम हो जाता है क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है, इसकी वजह से वज़न कम हो जाता है। घर पर इसका इलाज ये करें कि अगर मोशन लग गए, इसके साथ वॉमिटिंग भी हो रही है, तो पहले वॉमिटिंग को रोकने का इलाज करें। पहले वॉमिटिंग को रोकें, जब वॉमिटिंग रुक जाए तो फिर मोशन के लिए आप इलाज शुरू करें। क्योंकि ऐसा भी होता है कि वॉमिटिंग रुक जाए तो मोशन भी खुद ही रुक जाते हैं, तो डबल मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले वॉमिटिंग को रोकें, उसका इलाज पहले करें। बच्चे को ठोस गिजा मत दें, बिल्कुल बंद कर दें, सिर्फ लिक्विड उसको डाइट पे रखें। फल भी मत दें, सब्जियां भी मत दें जो सख्त होती हैं, जो पेट में दर्द करती हैं। इसके अलावा आप ये करें कि बनाना दे सकते हैं और एप्पल भी दे सकते हैं, लेकिन छील के एप्पल दें ताकि बच्चे को पेट में दर्द ना हो। दूध भी मत दें क्योंकि इससे भी मोशन आने का खतरा होता है। बच्चे की गिज़ा में कोई नई चीज़ इस्तेमाल तो नहीं कर रहे आप, ये आपने पहले देखना है कि आपने कोई ऐसी कोई नई चीज़ दी है जिसकी वजह से ऐसे मोशन हो रहे हैं। बाज़ दफ़ा डब्बे का दूध यहाँ चेंज करने पर भी ऐसा होता है कि बच्चे को हज़म नहीं हो पाता और बार बार मोशन उसको लगते हैं, या कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो 2-3 साल के बच्चे हैं, कोई ऐसा कुछ नीचे से उठा कर खा लेते हैं या अपनी सख्त चीज़ खा लेते हैं, उसकी वजह से मोशन लग जाते हैं। पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी को पूरा करने के लिए आपने जो डिहाइड्रेशन जो हो जाती है उसकी कमी को, इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करने के लिए आपने ORS का मिक्सचर लाजमी देना है, साशे वगैरह दें ताकि बच्चे के पानी की कमी पूरी हो जाए। ये बहुत ही ज़रूरी है उसके लिए कि आप उसे ORS दें, क्योंकि मोशन में पानी की कमी हो जाती है और बार दफ़ा बच्चे डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश भी होने लग जाते हैं। उनसे कोई मेडिसिन ना दें, ज़रूरी है कि बर वक्त डॉक्टर के पास आप ज़रूर जाएं। वॉमिटिंग और मोशन की शुरू होने के लिए 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर जैसे ही वो शुरू होते हैं मोशन और वॉमिटिंग, तो बच्चे को डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर। फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ। ठोस गिज़ा बिल्कुल ना दें, बिल्कुल बंद कर दें कुछ दिनों के लिए। पतली खिचड़ी दें, दलिया दें, साबूदाना वगैरह दें, उससे भी ठीक हो जाता है। डब्बे का दूध बिल्कुल बंद कर दें, डब्बे का दूध मत दें अगर 2-3 साल का बच्चा, और अगर बहुत छोटा न्यूबॉर्न बेबी है उससे भी डब्बे के दूध से अक्सर कोई दूध चेंज करो तो उससे मोशन लग जाते हैं, तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ और एंटीबायोटिक कोई मेडिसिन अगर वो देते हैं तो इस्तेमाल करें ताकि बच्चे को डिहाइड्रेशन ना हो जाए। बच्चे को मोशन की वजह जो होती है खुराक की नाली में इन्फेक्शन हो जाती है, इसकी वजह से मोशन हो जाते हैं। ये इन्फेक्शन सांस के वायरस के ज़रिए जाता है और आंतों के अंदर जरासीम और वायरस की वजह से मोशन आना शुरू हो जाते हैं। बड़े बच्चों में लगातार लंबे अरसे तक अगर मोशन हो रहे हैं तो उन्हें अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी बड़ी आँख में अल्सर हो जाता है या छोटी आँख में हो जाता है, सूजन आ जाती है जो कि पता नहीं चलती, लेकिन बच्चे के पेट में दर्द होता है। इसकी मेडिसिन ये है कि सब झागदार अगर मोशन आ रहे हैं छोटे बच्चों को, माँ का दूध नहीं पी पाता, खट्टे बदबूदार मोशन आ रहे हैं, पेट में मरोड़ हो रहे हैं, तो उसके लिए एपिकॉक 30 पोटेशियम बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा सल्फर है, सुबह के वक्त जो दस्त आ रहे थे सल्फर है। अगर दांतों के ज़माने में मोशन आ रहे हैं तो कैमोमाइला बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में दिन में 3 दफ़ा दें, और जो बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं मोशन के दिनों में, उन्हें बार बार गुस्सा आता है क्योंकि उन्हें भूख लग रही होती है, वो खा नहीं सकते, तो आप उन्हें कैमोमिला दें। इसके अलावा पोर्डोफेनम है, बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसके अलावा जो सिरप आते हैं उसमें डायरो बहुत ज़बरदस्त सिरप है, उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। पेट में जो दर्द होता है और मरोड़ पड़ते हैं उसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके, आपको ज़रूर इस्तेमाल करें और बच्चों को दें। ये बड़े भी पी सकते हैं, बड़े बच्चे भी पी सकते हैं और बड़े जो नॉर्मल बड़ा बन इंसान है जो बंदा है वो भी पी सकता है। आधी चम्मच बच्चों को दें डायरो ऑफ सिरप के,
बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाली जो भी नई वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा जब आप बेल के आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके साथ जिंदाबाद।